बड़ी खबर यह है, 3 सीटों पर मतदान के 9 घंटे पूरे हो चुके हैं। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाने हैं, जिसमें कि मैनपुरी में दोपहर 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है, 43.93% वोटिंग हुई है। खतौली की बात करें तो दोपहर 3 बजे तक का आंकड़ा 40.2% है। रामपुर में दोपहर 3 बजे तक 26.32% वोटिंग हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, लगातार एक एक तस्वीरों के साथ सुबह से मतदान चल रहा है। सुबह 6 बजे तक वोट, माफ कीजिएगा, शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तीनों सीटों पर मतदान के 9 घंटे पूरे हो चुके हैं, महज 2 घंटे बाकी हैं। मैनपुरी में दोपहर 3 बजे तक का 43.93% वोटिंग का परसेंटेज है, आंकड़ा है। खतौली की बात करें तो 40.2% वोटिंग हुई है, और रामपुर में सबसे कम 26.32% 3 बजे तक वोटिंग हुई है। सुबह के वक्त में बहुत ज्यादा मतदाता घरों से बाहर नहीं निकला, बहुत लंबी कतारें नहीं देखने को मिली, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ा लगातार मतदाताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। और जो 3 बजे तक का आंकड़ा हमारे पास आया है उसके मुताबिक खतौली में 40.2%, रामपुर में दोपहर 3 बजे तक 26.32%, और इसके साथ साथ मैनपुरी की अगर बात करें तो 43.93% वोटिंग यहां पर हुई है। तो महज 2 घंटे का वक्त बचा हुआ है, और एबीपी गंगा भी आपसे यही अपील करता है कि अपने घरों से निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। और चलिए अब ज्यादा जानकारी सीधा ग्राउंड से हासिल करेंगे, हमारे तमाम संवाददाता लगातार सुबह से पल पल का अपडेट आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। विनेश जी हमारे साथ मैनपुरी से जुड़े हुए हैं, सनुज हमारे साथ खतौली से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ इस वक्त एक और सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। और सीधा सबसे पहले विनेश जी आपका ही रुख करेंगे। विनेश जी सबसे पहले बताएं कि अभी तक 3 बजे तक का जो आंकड़ा देखे उसमें मैनपुरी सबसे आगे चल रहा है, बहुत जोर शोर से प्रचार भी यहां किया गया, और आज क्योंकि गेंद मतदाताओं के खाते में है तो ये जो नंबर आ रहे हैं सामने, ये कुछ बताते हैं, कुछ इन्हें सुलझाकर आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है आखिर? देखिए, विभिन्न तरीके के आरोप प्रत्यारोपों के बीच में मैनपुरी संसदीय सीट की अगर हम बात करें तो 3 बजे तक 43.93% मतदान हुआ है। मैनपुरी विधानसभा की अगर हम बात करें तो 40.1%, भोगांव विधानसभा में 42%, किशनी विधानसभा में 42.8%, और करहल विधानसभा जहां से विधायक हैं अखिलेश यादव वहाँ से 47.23%, और जसवंत नगर जहाँ से विधायक हैं शिवपाल यादव, और जसवंत नगर विधानसभा में ये जो सैफई पड़ता है जहां मैं खड़ा हूं वहां पर सबसे ज्यादा 47.53% मतदान हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं कि पैसे दिए जा रहे हैं, प्रशासन का धमकाया जा रहा है, प्रशासन तमाम तरह का वो काम कर रहा है। लेकिन अनु एक बात आपको मैं बताऊं और गुंजन, कि जो सत्ता होती है ना, सत्ता का चेहरा कमोबेश एक जैसा होता है। सत्ता का चेहरा हम कह सकते हैं कि जो है वो बदलता है, माफ कीजिएगा, सत्ता का चेहरा बदलता है लेकिन जो चरित्र है ना वो कमोबेश एक जैसा होता है। ऐसा नहीं है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इसी सरकार में 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और कन्नौज में संसदीय सीट पर डिंपल यादव निर्विरोध सांसद हो गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ था। इस जहां पे मैं खड़ा हूं, इस जसवंत नगर में बहुत सारे ऐसे बूथ हैं जहां पर 100% नहीं, 115%, 120% तक मतदान हो चुका था जब सत्ता में समाजवादी पार्टी थी। तो जो सत्ता का जो चरित्र होता है ना वो कमोबेश एक जैसा होता है, चेहरा जरूर बदलता है। जब सत्ता में कोई नहीं रहता है तो उसके आरोप, उसके मापदंड, उसकी नैतिकता अलग तरीके से बयां होती है, और जब कोई सत्ताधारी दल होता है तो वो अलग तरीके से अपनी बातों की व्याख्या करता है। तो अलग अलग बातों की व्याख्या चल रही है। भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव आयोग में पहुंच गई है, चुनाव आयोग में पहुँच कर कह रही है कि वो समाजवादी पार्टी वाले जो हैं वो पैसा बांट रहे हैं, वोटरों को धमका रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया है उन्होंने कि प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, यहाँ पर यहाँ के एसपी साहब चुनाव लड़ रहे हैं, डीएम चुनाव लड़ रहे हैं, एसएसपी चुनाव लड़ रहे हैं, आईजी चुनाव रहे हैं, डीआईजी चुनाव लड़ रहे हैं, एडीजी चुनाव लड़ रहे हैं, सब लोग यहाँ लड़ रहे हैं चुनाव, और लखनऊ से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके लिए आनन फानन में डीएम एसएसपी भाग कर इसी विधानसभा सैफई
के अभिनव महाविद्यालय में आए और उन्होंने बकायदा मीडिया से एक एक करके उन्होंने अपनी बातों को रखा। साहब मेरा CDR निकाल लो, मेरे पूरे कॉल डिटेल को निकाल लो, मैंने कभी किसी से बात नहीं की है, किसी का ऐसा फ़ोन नहीं आया है। अगर सैफई परिवार से उसका फ़ोन, हमने सबका फ़ोन अटेंड किया है, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, आदित्य, अंकुर, धर्मेंद्र, जिसका भी फ़ोन आया है, आप मेरा कॉल डिटेल चेक कर लो, CDR निकाल लो। आजकल तो पारदर्शी ज़माना है, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ऐसा DM और SP ने यहीं खड़े होकर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा। और ये दबाव जब पड़ा है SP DM प्रशासन के ऊपर, आरोप प्रत्यारोप लगे हैं कि पूरा प्रशासन जो है वो किसी तरीके से चुनाव प्रभावित कर रहा है, तो उसके बाद से DM SSP को अपने बात को रखना पड़ा है। तो जो हम लोग एक चुनाव नहीं बल्कि बहुत सारे चुनाव देख चुके हैं, बहुत सारी आंधी बयार को देख चुके हैं, हर चुनाव में सत्ताधारी दल के अपने तर्क होते हैं, विपक्ष की अपने आरोप होते हैं। तो जो बातें हैं कि जो सत्ताधारी जो दल होता है, चाहे उसका जो चरित्र होता है, बिल्कुल दिनेश जी लौटूंगी आपके पास। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, नगर निकाय चुनाव पर AK शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 5 बजे होने वाली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, नगर विकास मंत्री है AK शर्मा, शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेयर समेत अन्य अधीक्षकीय पदों के लिए आरक्षण सूची जारी होगी, 17 मेयर के लिए आरक्षण सूची जारी की जाएगी, 200 नगर पालिका चेयरमैन की आरक्षण सूची जारी होगी, इसके अलावा 545 नगर पंचायत अध्यक्ष की आरक्षण सूची भी जारी की जाएगी। सूची जारी होने पर 7 दिन में आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है AK शर्मा की। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अनुभव, 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, नगरीय निकाय चुनाव भी नजदीक है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हो सकता है? देखिए बिल्कुल, एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है, हर कोई उपचुनाव के बारे में अपडेट टीवी गंगा पर ले रहा है, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है, जो खास तौर से जिसका इंतजार उत्तर प्रदेश में सभी सियासी दल कर रहे थे, सियासी दलों के नेता, कार्यकर्ता और आम लोग कर रहे थे, आज जो नगर निगम है 17 उत्तर प्रदेश में, 200 नगर पालिका है और 546 के आसपास जो नगर पंचायतें हैं, उन सभी में अध्यक्ष और मेयर का जो पद है वो किसके लिए रिजर्व होगा, इसकी सूची जारी हो जाएगी। शाम 5 बजे खुद नगर विकास मंत्री AK शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जानकारी देंगे सभी 763 जो स्थानीय निकाय है वहाँ पर अध्यक्ष और मेयर का पद किसके लिए आरक्षित हो रहा है। और जैसा आपने कहा, 1 हफ्ते का आपत्ति दर्ज कराने का वक्त होगा, यानी आज 5 तारीख है, 1 हफ्ता यानी 12 तारीख तक आपत्ति दर्ज होगी, और ये मानकर चलिए कि अब बिगुल बच चुका है स्थानीय निकाय का। 13 दिसंबर या 14 दिसंबर के आसपास उत्तर प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग जो है वो तिथियां घोषित कर सकता है। इस वक्त की एक बड़ी खबर है कि 13 से 14 के बीच राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसका इंतजार लगातार अनुभव किया जा रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्या कुछ रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। तो 5 बजे AK शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे उस पर भी ABP गंगा की नजर है। सनोज, खतौली में क्या चल रहा है इस वक्त वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे का वक्त बचा हुआ है मतदान के लिए, क्या उसी तरीके से लोगों की भीड़ नजर आ रही है जैसे सुबह से हमने देखी? देखिए, जो सुबह मतदाताओं की भीड़ नजर आ रही थी वो भीड़ तो नहीं है, लेकिन मतदाता आ जा जरूर रहे हैं। कुछ मतदाता है जो यहाँ पर वोट करके आए, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। युवाओं से भी हम बातचीत करेंगे। आपने अपना वोट डाल दिया, क्या सोचकर वोट किया, क्या मुद्दे रहे आप? जी, एजुकेशन को लेकर और महंगाई को लेकर और अपने विकास को लेकर, इसके लिए हमने वोट किया है। कोई आए नेता अच्छा आए तो हमारे विकास हो, खतौली में कोई विकास ही हो, एजुकेशन अच्छी हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। महंगाई इतनी हो गई है आजकल, स्कूलों की फीस बहुत ज़्यादा हो गई है, ये तमाम चीज़ें। जी, अच्छा, आपने क्या सोचकर वोट किया? तो बेटी आपकी कह रही है कि भाई महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन कुछ खतौली में होना चाहिए। तो बस ये जो बच्ची कह रही है वही हमारा मुद्दा है कि भाई महंगाई ज़्यादा हो रही है, बच्चों के लिए कोई वो नहीं है सुविधा कि बच्चों को आगे पढ़ाएं, कारोबार इतना नहीं है कि हम आगे पढ़ा सकें, बस यही ये तमाम मुद्दे हैं। सर, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, अभी महंगाई है भाई, इतना वो नहीं है कि बच्चों पढ़ा सकें। आपने क्या सोचा, क्या मुद्दा रहा कि ये सोचकर आपने? विकास के लिए, विकास नहीं हो रहा है हमारे इस खतौली में,
और महंगाई इतनी होगी कि घर का चूल्हा चलाएं या बच्चों को पढ़ाएं, बताओ। हाँ ये लेकिन वोट की ताकत दिखाने जरूर आ रही है। हाँ ये महंगाई का मुद्दा है सबसे पहले। देखिए सबके अपने अलग अलग मुद्दे हैं, किसी का महंगाई का मुद्दा है, किसी का शिक्षा का मुद्दा है, किसी का विकास का मुद्दा है, तमाम यहाँ पर मुद्दे हैं और यही मतदाता भाग्य विधाता हैं, ये तय करेंगे कि आखिर खतौली में कौन यहाँ पर चुनाव जीतेगा। देखिए 2017 की बात परसेंटेज है वो बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है और अभी भी वहां पर बूथ पर मतदाता पहुंच रहे हैं, जमे हुए हैं, वो भी तस्वीरें आपने दिखाई। सर फिर से आपका रुख करेंगे, अभी मैनपुरी से रतीश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। रतीश ये बताएं सबसे पहले कि आप किस केंद्र पर मौजूद हैं और वहां कैसा उत्साह है वोटरों के बीच। हाँ बिल्कुल, देखिए जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विजपुरी खेड़ा इलाके में हम मौजूद हैं। ठाकुर गया प्रसाद इंटर कॉलेज है जहां पर ये बूथ बना हुआ है, मतदाता आ रहे हैं और उनमें जागरूकता भी देखी जा रही है। हालांकि अब मतदाताओं की संख्या कम हो गई, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि महिलाओं की कतार लगी थी और पुरुष मतदाता भी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर थे। एक ही बूथ है, 1480 के आसपास यहाँ पर वोट हैं और उनमें 600 से ज़्यादा वोट काफ़ी देर पहले यहाँ पर पड़ चुके थे, यानी 50% से ज़्यादा वोट यहाँ पर पड़ चुके हैं। जो रेशियो बताया जा रहा है जो 43.93% मैनपुरी में ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये परसेंटेज बता रहा है कि यहाँ पर मतदाताओं में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही हम देख रहे हैं अन्य जगहों पर जहाँ उपचुनाव चल रहा है, रामपुर में बेहद धीमा, लेकिन मैनपुरी में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। मुद्दे वही हैं, विकास मुद्दा है, लेकिन विकास जो कराया गया वो भी एक मुद्दा है। जो वोटर हमने जिनसे बात करी उनका कहना है कि विकास यहाँ पर हुआ है और जो नेताजी ने विकास कराया था उन मुद्दों पर को लेकर भी वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनको और ज्यादा विकास चाहिए और चहुमुखी अपने क्षेत्र का विकास चाहिए, कुछ लोग परिवर्तन के मूड में भी दिख रहे हैं। तो तमाम मुद्दों को लेकर के वोटर से हमारी बातचीत हुई है, वो वोटर भी निकल के आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में उपचुनाव में देखा जाता है कि रुझान लोगों का नहीं होता है मतदान करने में, लेकिन यहाँ पर मतदान करने के लिए अच्छी तस्वीरें आ रही हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैनपुरी से सबसे अच्छी तस्वीर, उसके बाद खतौली का रेशियो है और फिर अंत में रामपुर में जो वोटिंग परसेंटेज है उसकी बारी आती है। लेकिन जो मुद्दे यहाँ बताए जा रहे हैं वोटर्स के द्वारा, वो देखना होगा कि कितने कन्वर्ट होते हैं जो जब आएंगे नतीजे 8 तारीख को, उस समय भी देखने की जरूरत होगी कि किन मुद्दों पर जनता ने वोट किए हैं। दिनेश जी, मैनपुरी को लेकर जितनी सियासी बयानबाजी हुई है वो शायद पहले इस तरीके से देखने को नहीं मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले नेताजी के रहने के बाद स्थितियां बहुत हद तक सबके जहन में भी, सबके माइंड में क्लियर रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां पर अपनी पूरी ताकत लगा दी है। देखिए गुंजन, आपके सवालों का जवाब दूं इससे पहले बता दूं कि हमारे चचा विधायक हैं, एक फिल्म आई थी उसका डायलॉग था कि हमारे चचा विधायक हैं। तो अभी चचा शिवपाल आए थे यहाँ पर अभिनव विद्यालय सैफई में और ये गांव के सारे लोग आ गए यहाँ पर उनके पास कि चचा हमारा आईडी चेक किया जा रहा है, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, हमें रोका जा रहा है। ये पुलिस वालों की आफत आ गई कि जल्दी से जल्दी आए, पूरा अलर्ट इन्हें लगाया गया। आप देखिए चारों तरफ से ये पुलिस छावनी में तब्दील, सैफई का, अभिनव विद्यालय इटावा का, और हर जगह पुलिस, एसडीएम, हर लोग यहाँ मौजूद हैं और चचा से शिकायत करने के लिए तमाम गाँव के लोग यहाँ पहुँच गए। चचा हमारे विधायक हैं और चचा विधायक चचा से लगे सब कहने कि भैया हमारा आईडी चेक किया जा रहा है, हमें ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तो फिर इसके बाद से चचा यहाँ से निकल के अपने भतीजे के पास चले गए, अखिलेश यादव के पास चले गए हैं और बहू डिंपल के पास चले गए हैं। खैर, अब आपके सवाल का जवाब ये हुआ कि जो आरोप और प्रत्यारोप की आप बात कर रही हैं, तो आरोप प्रत्यारोप सुबह से ही चल रहा है, कल से चल रहा है, जब से चुनाव चल रहा है तब से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप दबंगई कर रहे हैं, क्योंकि दबंगई इनके खून में है, दबंगई यहाँ के चरित्र में है, दबंगई होता रहा है हमेशा से, सैफई में, जसवंत नगर में, करहल में, मैनपुरी में, ऐसा भाजपा कह रही है। भाजपा के तमाम स्टार प्रचारक जो 40 थे वो तमाम इस तरह के आरोप लगा रहे थे। और रही बात अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो उनके मुखिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शिवपाल ने, रामगोपाल ने, सबने कहा कि भाई प्रशासन यहां चुनाव लड़ रहा है, तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तब तक चलेगा जब मतदान खत्म नहीं हो जाएगा, उसके बाद से जब रिजल्ट आएगा तो वो निर्णायक होगा। निर्णायक इस लिहाज से होगा कि ये आम चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव है, लेकिन उपचुनाव आम चुनाव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और खास हो चुका है, क्योंकि इससे मैसेज, यहां से संदेश, यहां से एक ऐसी क्रांति होके जाएगी ना, एक ऐसा जो लकीर खींचा जाएगा जिसका अमिट छाप
2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। वो मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अंदर बाहर हर तरफ दिखाई देगा, तो भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य 80 के संधान में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि बात मनोबल की है, बात कलेजे की है, बात हतोत्साहित और बात उत्साह का है। अगर समाजवादी पार्टी कहीं चूक जाती है तो उसके कार्यकर्ता घर बैठ जाएंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे और निराशा के भाव से डूब जाएंगे, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का मक्का मदीना, इसे हम तीर्थ स्थल कह सकते हैं, समाजवाद नौ समाजवाद जिसका पुष्पवन पल्लवन किया मुलायम सिंह यादव ने, उसका ये तीर्थ स्थल है। यहाँ पर सैफई में लोग आते हैं, घूमने आते हैं, अब तो समाधि पर दर्शन करने भी आते हैं, और केंद्र में समाजवाद के सबसे बड़े, आधुनिक समाजवाद के सबसे बड़े पुरोधा मुलायम सिंह यादव इस चुनाव में भी रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अगर यहाँ आए तो उन्होंने भी उनको सलाम प्रणाम और उनकी कृतित्व और व्यक्तित्व के प्रति अपनी बातों को रखा। और समाजवादी पार्टी का तो काम बोलता भूल गया सब, कोई काम नहीं बोल रहा है, कोई एक्सप्रेसवे का नाम ही नहीं ले रहा है, कोई रिवर फ्रंट का नाम ही नहीं ले रहा है, कोई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन और तमाम जो एक नारा था कि काम बोलता है 2017 में, कहीं कहीं ना काम बोल रहा है, न पूर्वांचल एक्सप्रेस यहीं से बगल से 2 किलोमीटर से आगरा एक्सप्रेस ले जाता है, जिसकी बखान हर एजेंडे में होती थी, कभी नहीं, केवल मुलायम बोलता है। ये मुलायम सिंह का जलवा है, मुलायम सिंह यही याद किया जा रहा है। ठीक है वीरेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास, रतीश का भी रुख कर लेते हैं, मैनपुरी के जसवंत नगर पर वो मौजूद है, और जसवंत नगर की जो सीट है वहां का जो मतदाता है इस उपचुनाव में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। रतीश, क्या तस्वीरें दिखाएंगे वहां से आप? देखिए मतदाताओं का जिस तरीके से हम क्रेज बता रहे थे आपको, तस्वीर दिखाते, देखिए बुजुर्ग हैं और चल नहीं पाते हैं, इनको मतदान कराने आए हैं। क्या नाम है? रूपा देवी। चलने में असहज है? और बिल्कुल बेकार ही है, समझ निकलांग है, लेकिन वोट डालने आई। हाँ, वोट डालने आई, फिर भी समझो पहले आप क्या सोचा, किस मुद्दे पर वोट देंगी, क्या किस तरह की सांसद आपको चाहिए? मुझे चाहिए वो जो होती है ना साइकिल, ये विकास। किस मुद्दे पर आप लोग वोट डालते हैं, क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए आपकी बेहतरी, कैसा नेता होना चाहिए, बेहतरी क्या होनी चाहिए? अब बेहतरी आप जानते नहीं। देखिए आप ये तो हमको बता रहे हैं कि क्या असहज हैं, दिव्यांग हैं, वोट डाल करके आए हैं और इनको लेकर के आए हैं। आप इनके बेटे हैं क्या? अच्छा, आप लेकर के आए हैं, चलिए अच्छी बात है, ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वक्त और उत्साह देखने को मिल रहा है, वक्त जैसे जैसे पास आ रहा है। हाँ, तो वो उनको देना चाहते हैं 5 किलो चावल में, 5 किलो चावल, और जब अनाज नहीं, गेहूँ नहीं मिल रहा है, 5 किलो चावल आज के टाइम में सर्दी के मौसम में कोई भी व्यक्ति खाए, और नहीं तो खा के दिखाए, बीमार होकर मर जाएगा। ये भी मुद्दे हैं यहाँ पर, आपको हमने दिखाया कि मतदाता जो है वो काफी ज्यादा जागरूक है, हम जैसा बता रहे हैं। रतीश, देखिए अच्छी बात ये है कि जिस तरह से वीरेश जी ने भी कहा कि मुद्दों से भटक रही हैं पार्टियां बेशक भटक रही हूँ, लेकिन जनता के बीच मुद्दे क्लियर हैं, ये अच्छी बात है जो देखने और सुनने को यहाँ मिल रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।